गाइस कैसे हो। मैं आपका दोस्त हिमांशु पारिक और मेरा चैनल आसन ट्रिव्यू हिमांशु में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे कितनी बारिश हो रही है और हम इस बारिश में जाने वाले हैं। अभी हमारी ट्रेन 1 बजे है और 1 बजे के बाद हम नाइट में 2-3 बजे उतर जाएंगे। उसके बाद हम सुबह शाही स्नान करेंगे प्रातः 4। हमने टिकट ले लिया ट्रेन का और आप देख सकते हैं ये है किशनगढ़ का रेलवे स्टेशन जो अभी नया बना है। आप देख सकते हैं ट्रेन के नीचे आ गया, उसकी डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं मैं लाइव, ये देखिए ये है खून के निशान। ये देखिए गाइस, तो इस वजह से ट्रेन काफी लेट हो गई है। हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई है, आप देख सकते हैं। अभी हम वीरेंद्र कुमार के पास खड़े हैं और ये वीरेंद्र कुमार इस ट्रेन के लोको पायलट हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं आप? बिहार के? ये बिहार के रहने वाले हैं। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे प्रयागराज में और आज हमारी ट्रेन आखिरकार पहुंच गई है प्रयागराज। तो हम रवाना हुए थे 1 बजे के लगभग और अभी बज गया, अभी टाइम हो रहा है 5:07। तो गाइस हम पहुंच गए हैं प्रयागराज में, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं चाय पीने। तो ये उत्तर मध्य रेलवे की अपने प्रयागराज में जो इनका नाम है, आप कुछ दिन उससे जी सर, आपको यहाँ कितना टाइम हो गया है काम करते हुए? 20 से 22 साल। क्या नाम है आपका? ये है राजेंद्र प्रसाद जी और इनको 20 से 22 साल हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं इन्होंने हमें चाय दी है और सैंडविच, ये बर्गर भी है, पर अभी हमने ब्रश नहीं करा है तो ये अभी नहीं करेंगे। तो गाइस, आप कभी जब भी इलाहाबाद आए प्रयागराज में तो आप यहाँ इस स्टॉल पे आ सकते हैं। आप देख लीजिए ये यहाँ पे कौन सा प्लेटफार्म है? ये हाँ, ये प्लेटफार्म 4-5 है। तो इनकी 5 प्लेटफार्म पे इनकी स्टॉल है। तो गाइस आप जब भी आए तो यहाँ पे चाय कॉफी पिए, काफी अच्छी बनाते हैं और 20-25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। गाइस हम आ गए हैं, ये 4-5 नंबर का प्लेटफार्म है। तो अब ये ब्रिज है, ब्रिज से हम बाहर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे प्रयागराज में। और बस ये कुछ यहाँ का कुछ नज़ारा है तो उसको मैं थोड़ा कवर करने वाला था। तो आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, हम अब जा रहे हैं इस ब्रिज से। तो जो हम अभी हमारी जो ट्रेन आई थी वो 4 नंबर प्लेटफार्म पर थी, तो हमने वहाँ पर चाय वाय पी। तो अब हम जा रहे हैं सीधा ब्रिज से बाहर और फिर वहाँ से जाएंगे प्रयागराज। तो गाइस अब हम बाहर जा रहे हैं। तो प्रयागराज का जो जंक्शन था काफी इतना जबरदस्त था, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो ये बाहर जाने का रास्ता है। गाइस अभी हम जा रहे हैं प्रयागराज।
without you. तो गाइस देखिए ये आ गई है गंगा नदी और हम जा रहे हैं यहाँ से। देखिए आप यहाँ का नजारा कितनी देखिए गाइस अभी पूजा हो रही है तो ये कर रहे हैं, स्नान हो रहा है, पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ प्रयागराज में। और यहाँ पे ये लगाए हुए हैं, इससे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये जो पुलिया है ये बनाया गया है खासकर रखी है अग्निशमन केंद्र खाक चौक, काफी अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए ऐसे काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये ओल्ड सिटी मार्क है, यहाँ से हम जा रहे हैं। गाइस